पर जेके एसएसबी के उम्मीदवारों की तरफ से एक बार फिर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कुछ एहतजाजी उम्मीदवारों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनका मुतालबा है कि एप्टेक कंपनी, जिसे जेके एसएसबी ने पेपर चेक करने का ठेका दिया है, इसे वापस लिया जाए और इस कंपनी को हटाया जाए। आपको बता दें कि कल भी इन उम्मीदवारों ने जम्मू के प्रेस क्लब में मुजाहरा किया था, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कुछ बच्चे जख्मी हुए थे। प्रदर्शन कर रहे हैं जेके एसएसबी पेरेंट्स, एक बार फिर से बाहर निकल चुके हैं पनामा चौक में। यहां पर प्रदर्शन जो है वो यहां पर किया जा रहा है और पुलिस के साथ झड़प जो है वो यहां पर हो रही है। आप देख सकते हैं पुलिस जो है वो बल का प्रयोग करके रोकने की कोशिश कर रही है, पर तिरंगा झंडा लिए जेके एसएसबी पेरेंट्स को यहां पर जो है वो यहां पर पकड़ा जा रहा है और इन्हें रोड ब्लॉक करने से रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से इन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से तिरंगा झंडा लिए जेके एसएसबी पेरेंट्स अपने कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन तो कर रहे हैं, पर यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से महिला पुलिस भी यहां पर सभी पेरेंट्स को यहां से वी वॉन्ट जस्टिस के नारे जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और देख सकते हैं एस्पायरेंट जो है वो यहाँ पर गुस्से में है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं जहाँ पर पुलिस द्वारा इन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लगातार प्रदर्शन जो है वो इनका जारी है। आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर जम्मू से जो तस्वीरें हैं पुनामा चौक में, यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और अभी भी लगातार पुलिस जो है वो इनसे नेगोशिएट कर मांग कर रही है कि कहीं ना कहीं ये जो है अपना प्रदर्शन खत्म करें। बट बावजूद इसके बातचीत यहाँ पर लगातार जारी है, पर फिर भी लगातार जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है और जेके एसएसबी पेरेंट्स यहाँ पर साफ तौर पर बार बार वही मांग कर रहे हैं कि जो एप्टेक कंपनी है उससे यहाँ पर जो है वो हटाया जाए। बट लगातार हम देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर जारी है और ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा यहाँ पर इन्हें हिरासत में जो है वो यहाँ लिया जा रहा है। तिरंगा झंडा लिए वो लोग सभी, आप देखिए किस तरह से शोर जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, लगातार गुस्सा जो है वो यहाँ पर लोगों का बना हुआ है। क्या साफ तौर पर आप देख सकते हैं गुस्से में ये सभी उम्मीदवार, ये सभी एस्पायरेंट जो है वो गुस्से में यहाँ पर ये उम्मीद लगा नहीं कहीं ना इंसाफ मिलेगा, पर इन्हें मिल रहा है। यहाँ पर पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है इनके लिए और यहाँ पर इनसे मां इनको जो है वो हिरासत में लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं गुस्सा जो है इनमें बना हुआ है और अभी भी लगातार जो पुलिस है वो इन्हें यहाँ पर अंदर करने की कोशिश कर रही है, पर अभी भी लगातार जो गुस्सा है वो इनमें बना हुआ है। मांग यही कि एप्टेक कंपनी को यहाँ पर हटाया जाए, और उसी बीच जब ये प्रदर्शन करने बाहर निकले तो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा इन्हें हिरासत में लिया गया और अभी भी फिलहाल के लिए प्रदर्शन जो है वो इनका कंटिन्यू है। मांग है कि एप्टेक कंपनी को हटाया जाए और नई कंपनी को लाया जाए और बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ इंसाफ किया जाए।